ex-Victorian skipper. We're going to for an underarm. We haven't believed it. And that's a disappointing finish. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 1981 की बात है, 1981 की बात है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था। मैच इंतहाई सनसनीखेज मोड़ पर तब पहुंचा कि जब एक बॉल पर 6 रन चाहिए थे। उस वक्त के ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ग्रेग चैपल ने अपने भाई ट्रेवर चैपल को अपने पास बुलाया और प्लान करने लगे किस तरह एक बॉल पर 6 रन को रोका जाए। इस बात का हल उन्होंने ये निकाला कि क्यों ना अंडर आर्म बॉल करवा दी जाए। अंडर आर्म बॉल उस वक्त के क्रिकेट के कानून के मुताबिक जो थी गैर कानूनी नहीं थी। तो आखिरकार ट्रेवर चैपल ने अपने भाई के कहने पर अंडर आर्म बॉल करवा दी। अंडर आर्म बॉल हुई, बैट्समैन ने वो बॉल रोकी, फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना बैट फेंका कि यह मेरे साथ जो है वो बेईमानी हुई है। बज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, लेकिन ऑस्ट्रेलवी लोगों ने यह महसूस किया कि उनकी टीम ने जो काम किया है वो बायस फख्र होने के बजाय बायस शर्मिंदगी है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ट्रेवर की बीवी ने बहुत ही सख्त रद्देमल जाहिर किया कि तुमने ऐसी बेईमानी क्यों की, और एक अंडर आर्म बॉल ने बात यहाँ तक जा पहुँची कि उनकी अलहदगी हो गई। ट्रेवर अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो आज तक अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सके। क्या इंसान की ज़िंदगी में जीत ही ज़रूरी है या इखलाकियात भी मैटर करती है? आए इस बात का थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। क्या इंसान की ज़िंदगी में सुकून, आराम या सोशल स्टेटस और या किसी भी वजह से वो अपनी ज़मीर का सौदा करने पर तुल सकता है? क्या जीत इतनी अहम हो चुकी है? आपने आज तक कहानियाँ सुनी होंगी जी, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन और तारीख जो है वो हमेशा फातेह लोगों को याद रखती है, लेकिन जनाब आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में अखलाकियात का भी दखल हो चुका है। अब लोग अखलाकियात को ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी भी माशरे में, खेल में, किसी भी जीत में अगर आप लोगों ने अखलाकियात को नज़रअंदाज किया तो देखने वालों को भी मज़ा नहीं आया, उन्होंने भी इसकी कोई पजीराई नहीं की। ट्रेवर चैपल ने भी ऐसा ही किया। उसने बज़ाहिर तो जीत हासिल कर ली, लेकिन अखलाकी तौर पर वह न्यूजीलैंड से हार गया। ये तो एक अज़ली कानून है। आपकी अखलाकियात और ईमानदारी का असल इम्तिहान तब शुरू होता है कि दुश्मन जो है वो आपका आसमान तक जा पहुँचे और आप जो है वो किसी झूठ, धोखे या फरेब का सहारा लेने के बजाय आप जो है वो उस जीत से इनकार कर दें कि मैंने झूठ, फरेब और धोखे से जीत हासिल नहीं करनी। इखलाकी बर्तरी ही सब कुछ है। बज़ाहिर तो ट्रेवर चैपल ने बिल्कुल ही कानून के मुताबिक अंडर आर्म बॉल की थी, क्योंकि उस वक्त क्रिकेट के कानून के मुताबिक ये बात गैर कानूनी नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलवी लोगों ने ये बात जाहिर कर दी कि वो जिंदा कौमें हैं और वो लोग जो है वो अखलाकियात को अपना पैरामीटर रखते हैं, ना कि हार और जीत को। जिस कौम ने हमेशा अपनी अखलाकियात को जो है वो बेहतर रखा और जीत और हार को कोई मैटर नहीं रखा कि अभी जीत ही सब कुछ ज़रूरी है, हार कर और अखलाकियात को रोंद कर जो है वो हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं रखा। उन्होंने हारना पसंद किया, अखलाकियात को आला दर्जे पे रखा। वो कौम ही आज जो है वो तरक्की याफ्ता है, और हमारे पीछे रहने की वजह यही है कि हम लोगों ने जीत को पहले नंबर पर रखा और अखलाकियात को अपने पसे पुष्ट डाल दिया। तो सोचना सिर्फ इस बात पर है हमने, क्या हमारी ज़िंदगी में जीत और हार ज़रूरी है या अखलाकियात? तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि तो आज से आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी ऐसा मौका आए जिसमें आप झूठ, फरेब, धोखा, किसी भी ऐसी बात करके जीत जाएं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ईमानदारी कर कर हार जाएं, तो आप ईमानदारी से हारना पसंद कीजिएगा, अखलाकियात को आला दर्जे पर रखिएगा। इसी तरह अच्छे मुआशरे तश्कील पाते हैं और हम जो हैं वो एक अच्छी राह की तरफ गामजन हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए, अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। मज़ीद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।